वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज़ इक्लव सिंघाने और दिस इज़ मल्टीवर्स स्टूडियोज़ और ये है पार्ट 7 और हमारा लास्ट पार्ट। सो हम बना चुके हैं ये बिस्किट और हम बना चुके हैं एक चाय का ग्लास और फाइनली इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें एक्सपोर्ट करना है और कैसे इन्हें इंपोर्ट करना है। हम इस चाय के ग्लास को और बिस्किट को एक एनवायरनमेंट के अंदर डालेंगे सो वी कैन क्लिक अ बेटर पिक्चर। अब आप देख रहे हैं कि ये एक आपका सीन है जो आपने पहले से बना दिया है, राइट। अब मुझे सिर्फ मेरा बिस्किट एक्सपोर्ट करना है। सो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर आप सीन कलेक्शंस में जाएंगे तो आपका कैमरा, लाइट, इन सब की ज़रूरत नहीं है एक्सपोर्ट करने की। हमें सिर्फ हमारा बिस्किट एक्सपोर्ट करना है। सो बाकी चीज़ों को मैं बंद कर देता हूँ जस्ट टू कीप आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कलेक्शन को मत बंद करिएगा। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने बिस्किट्स को, राइट। अब मैं जाऊँगा फाइल्स पे और इंपोर्ट करूँगा। अब इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सटेंशन्स हैं सो हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे OBJ फाइल में। नीचे से तीसरा आपको दिख रहा होगा, वेव फ्रंट OBJ। अब आपको कुछ ऐसा विंडो दिख जाएगा, राइट। अब आपको एक काम करना है, यहाँ पर देखेंगे आप लिमिट टू लिखा हुआ है क्योंकि हमने इसे सेलेक्ट कर रखा है। सो हम उसे सेलेक्शन पे जाएंगे और एज इट इज़ एक्सपोर्ट कर देंगे और ये हो गया एक्सपोर्ट। चलिए चलते हैं अब हमारे ग्लास वाले सीन में जहाँ पे हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। सो मैं जाता हूँ हमारे चाय वाले सीन में। यस, तो फाइनली मेरा चाय का ग्लास यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर सीन कलेक्शंस में एक नया कलेक्शन बनाता हूँ और उसे कह देता हूँ दिस, राइट। अब मुझे अपना बिस्किट इंपोर्ट करना है सो मैं जाऊंगा फाइल्स पे और प्रेस करूंगा इंपोर्ट। और हमने किस में सेव किया था? हमने किया था OBJ फाइल, राइट। और हम सेलेक्ट करेंगे जी मेरा बिस्किट और इंपोर्ट और आप देखेंगे कि मेरा बिस्किट यहाँ आ चुका है। अब डेफिनेटली इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने की ज़रूरत होगी। सो मेरे उसमें ये उल्टा आया है, मैं इसको लेवल करता हूँ सबसे पहले एक सेकेंड मैं आपके लिए की कास्ट ऑन कर देता हूँ, राइट। सो इसको पहले तो लेवल करते हैं। सो दिस इज आई वॉन्टेड टू लेवल अ बिट। आई गेस इससे अगर नहीं होगा तो आप वैल्यूज़ को थोड़ा सा कम करिएगा, बेटर। आई गेस दिस मच इज़ फाइन। दूसरे वाले को भी मैं सेम, राइट। अब आपको करना क्या है, इसे मैं रोटेट कर देता हूँ और ये हो गया रोटेट, राइट। इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, राइट। अब थोड़ा से रियलिस्टिक फील देने के लिए हम इसका साइज़ उतना ही रखेंगे जितना एक ग्लास और चाय का साइज़ होता है, तो ग्लास नो डाउट बड़ा होगा। तो मैं एस क्लिक करूँगा और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करूँगा क्योंकि कटिंग चाय का ग्लास आई गेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। सो ऑलमोस्ट इतना आई गेस ठीक है और मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा इसको। आई गेस दिस इज़ फाइन फॉर मी। अब मुझे ज़रूरत है एक बेहतरीन टेबल की। मैं चाहता हूँ एक वुडन सी टेबल हो जिसके ऊपर ये रखी रहे और फिर हम इसकी फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसे का रेंडर निकालते हैं। सो लेट्स मेक अ प्लेन। आपके पास प्लेन होगा, मैंने डिलीट कर दिया था। सो शिफ्ट ए, एक प्लेन लेते हैं, राइट। और इसको स्ट्रेच करते हैं
सेवन दबाता हूँ जस्ट टू हैव एन आइडिया। और टेबल थोड़ी सी रेक्टेंगुलर होती है, सो मैं इसको एस और एक्स दबा के थोड़ा सा रेक्टेंगुलर कर दूँगा और टेबल थोड़ा सा ग्लास से बड़ी। आई गेस दिस इज़ फाइन। वन दबाते हैं, टेबल को लेवल पे लेके आते हैं। आई गेस दिस इज़ फाइन। थोड़ा सा और पे किया जा सकता है। आई गेस दिस इज़ फाइन राइट। अब इसको एक मटेरियल जाते हैं और मैं इसको टेबल की पट्टी में इसको देता हूँ टेबल 3। और मैं चाहता हूँ कि इसे मैं एक वुडन टेक्सचर देना चाहता हूँ, सो एक इमेज टेक्सचर पे जाएंगे और शेडिंग पे जाएंगे, रेंडर व्यू पे क्लिक करेंगे। पिंक मतलब टेक्सचर गायब है, तो हाँ हमने अभी टेक्सचर नहीं डाला है। सो व्हाट यू गोना डू, पुट अ टेक्सचर। नोट पे देखेंगे, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा जस्ट कॉज मुझे इसका एक और की ज़रूरत है। ऐड पे जाएंगे और नॉर्मल मैप हमें चाहिए, तो हम ऐड करेंगे एक नॉर्मल मैप और मैंने इसे कनेक्ट कर दिया राइट। अब लेट्स ओपन दिस टेक्सचर। टेक्सचर मैंने आपके लिए पहले से बना के रखा है, नीचे लिंक है और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। एक वुडन टेक्सचर आ गया है, काफ़ी सही लग रहा है, मगर इसमें थोड़ी डेप्थ गायब है। इट्स लुक्स वेरी प्लेन बट बिकॉज लकड़ियों के अंदर ग्रूविंग और थोड़ी थोड़ी गैप्स होते हैं विच आई वॉन्टेड। सो लेट्स एड आ नॉर्मल। सो फिर से अब आप देखेंगे कि अचानक से ही इट स्टार्ट लुकिंग बेटर। आप इसे नॉर्मल नॉन कलर कर दीजिए और इसको थोड़ा सा हम 2.4 के आसपास रखते हैं। अब नो डाउट वुड जो होता है उसकी सरफेस थोड़ी सी रफनेस उसमें ज़्यादा होती है, सो खुरदरी बोलूँगा मैं, रफनेस ज़्यादा होता है। शाइनी हो सकती है मगर थोड़ा सा मैं कम करूँगा, मेरी प्रेफरेंस में आई वॉन्ट मोर रफनेस राइट। और अब हम लेआउट पे जाते हैं, कंट्रोल एस दबा देते हैं सेव करने के लिए। अब हमारा टेबल तो बन गया, रेंडर व्यू पे जाएं अगर, सो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हमें इसकी खींचनी है फोटो राइट। अभी तक हमने कैमरा यूज़ नहीं किया था, तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज़ अ कैमरा और उससे हम कैसे एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, उसका रेंडर निकाल सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। सो मैं कैमरा पे आता हूँ, ये है कैमरा, मैंने कलेक्शन में सेव कर रखा है यहाँ पर। तो कैमरा पे क्लिक करेंगे या कैमरा पे डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैमरा है। आपका कैमरा एक्चुअली अभी कहीं और होगा क्योंकि मैं पहले से बना चुका हूँ, सो मैंने इसका कैमरा एडजस्ट किया है, मगर आपका कैमरा, सो मैं एक काम करता हूँ, इस कैमरा को बंद करता हूँ और एक नया कैमरा ऐड करता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। मैंने क्लिक किया शिफ्ट ए, नीचे आप देखेंगे कैमरा। अब मुझे भी कैमरा आपका राइट। अब बेसिकली कैमरा की प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पर, मगर उससे पहले अब ज़ीरो दबाएंगे तो आप आ जाएंगे अपने कैमरा मोड पे। मेरा वाला स्क्वायर दिख रहा है क्योंकि मैंने इसका साइज़ ऑल्टर किया है, आपका रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा। सो इसे चेंज कैसे करना है, एन दबाइए और आप आइए व्यू पे। आपके उसमें आपको यहाँ पर जाना है। इससे होगा क्या, अगर ये चीज़ सेलेक्टेड नहीं है ये होगा कि अगर मैं जाऊँगा तो कैमरा का एक फिक्स साइज़ मुझे रखना है। इससे आपको अंदाज़ा ये होगा कि कैमरे के अंदर क्या आ रहा है और कैमरे के बाहर क्या है। उसकी आउटलाइन एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, कैमरा टू व्यू, अब ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा राइट। आप जहाँ देखेंगे आप कैमरा के व्यू से देख रहे हैं राइट।
एक अच्छा कॉम्पोजिशन बनाते हैं। आई गेस दिस इज द कॉम्पोजिशन दैट आई लाइक। सो आपको अब इसका डायमेंशंस अगर आपको चेंज करने हैं, मैंने स्क्वायर में रखा है क्योंकि मैं इसको अगर सोशल मीडिया पे डालूंगा तो वहाँ पर स्क्वायर ही चलता है डायमेंशन, मगर फिर भी आपको रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा, वो है ऊपर से थर्ड। आप डायमेंशंस में जाएंगे, आप देखेंगे आप 1920 बाय 1920 लिखा हुआ है, आपके उसमें 1920 बाय 1080 होगा। सो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया है, आप यहाँ से इसके डायमेंशंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। मैं इसको 1920 बाय 1920 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ कैमरा प्रॉपर्टीज़ पे, ग्रीन कलर का आपको कैमरा दिख रहा होगा। अब इसके लिए आपको कैमरा ये सेलेक्ट करना है, फिर जाना है। मोस्टली क्या होगा कि अगर रेड दिख रहा है तो यानी सेलेक्टेड नहीं है, ऑरेंजेस दिख रहा है यानी सेलेक्टेड है। कैमरा प्रॉपर्टी पे जाएंगे, यहाँ से आप इसकी फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं, 50 इज़ गुड फॉर मी। और यहाँ से आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, जब हम DSLR से फ़ोटो खींचते हैं तो हमको अक्सर दिखता है कि जो फोरग्राउंड की चीज़ है और जो बैकग्राउंड की चीज़ है, तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और हमारा जो सब्जेक्ट होता है सिर्फ वही फोकस में होता है। सो वही इफेक्ट डालने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, हमने सेलेक्ट किया जिसपे हम फोकस रखना चाहते हैं, हम अपने ग्लास पे फोकस रखना चाहते हैं फिलहाल। और इसकी एफ स्टॉप जो होगा उसे हम कुछ वन, अब देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि अचानक से ये, आपको ये बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये आर्टिफिशियल लगेगा। सो आई थिंक वन के आसपास की वैल्यू काफ़ी है, तो वन ही ले लीजिए या फिर 1.8 इज़ द बेस्ट फॉर मी। सेव करते हैं। अब ये तो हो गया आपका कैमरा सेट, अब इसे रेंडर कैसे करें? सो आप यहाँ पर देखेंगे तो रेंडर लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं क्लिक करके, या फिर एक शॉर्टकट की है वो है F12। और जैसे ही मैं F12 दबाता हूँ ये स्टार्ट होने लग जाता है हमारा रेंडर। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो हम व्यू पोर्ट पे क्वालिटी देखते हैं वो बहुत डिफरेंट होती है, और जो हम रेंडर पे क्वालिटी देखते हैं वो हमारी रियल क्वालिटी होती है, क्योंकि हमारा सिस्टम भारी हो सकता है, थोड़ा सा लैगी चल सकता है, इसलिए हम अपने व्यू पोर्ट पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की क्वालिटीज़ को कम कर देते हैं। और जब आप रेंडर करते हैं तो फाइनली आपको फाइनल क्वालिटी समझ में आती है कि ये तो काफ़ी अलग लग रहा है। इसके रिज़ल्ट पे आएंगे, आपको यहाँ पर टाइम मिल जाएगा। तो अभी तो रेंडर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कुछ सैम्पल्स, ये सैम्पल रेट्स हैं, 120 सैम्पल्स हैं, ये 35 पे हैं, तो धीरे धीरे करके वो सैम्पल्स बढ़ाएगा। सो कंप्लीट हो गया है आपका रेंडर, और ये देखिए ये है एक बेटर इमेज। सो सेव करने के लिए इमेज पे जाएं, सेव एज, और आप इसको नाम दे सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, और ये हो गई सेव आपकी इमेज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबडी, आपने अपना पहला सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है ब्लेंडर बिगिनर्स का। तो 3D में आपको समझ में आया कि कैसे कैसे चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और आई होप आपने फॉलो किया होगा। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि आप अपने फाइनल रेंडर्स को मुझे DM पे सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मेरे जीमेल एड्रेस पे जो नीचे दे रखा है आप मुझे वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। सो मैं भी लोगों को अपनी वेबसाइट पे दिखा पाऊँगा कि आपने क्या किया हुआ है। इन केस आपको अभी भी कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे DM करिए इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट्स में लिखिए। सो आपका आंसर मैं बता पाऊँ और मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। टिल देन थैंक यू सो मच टू बी द पार्ट ऑफ इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आप जैसे लोगों की और मैं हेल्प करना चाहता हूँ, और यूट्यूब का एल्गो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। सो नेक्स्ट सीरीज़ आएगी इन्वायरमेंट्स के ऊपर। सो आपने देखा कि एक इन्वायरमेंट के अंदर 3D में बनाई हुई कोई भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा रियल लगने लगती है, तो आप एक 3D होल 3D इन्वायरमेंट कैसे बना सकते हैं, नेक्स्ट सीरीज़ होगी उसके ऊपर। तो टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिस।